ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की ऑनलाइन क्लासेस जिसमें हम एमएस एक्सेस सीख रहे हैं। और एमएस एक्सेस में हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप करते हैं, राइट? ओके सर, तो लास्ट क्लास हम रिलेशनशिप ही किए थे ना। एक हमें एक अपडेट भी क्वेरी किए थे, रिलेशनशिप भी हो गया था। क्यूरी में हमने क्यूरी के अंदर में हमने आपको बताया था अपडेट क्यूरी बताया था। अब हमने इसमें सिलेक्ट और कर चुके हैं, मेक टेबल कर चुके हैं, अपेंड कर चुके हैं, अपडेट कर चुके हैं, क्रॉस टेबल क्रॉस टैब हाँ क्यूरी हम कर चुके हैं। क्यूरी हाँ बताया था। बात करते हैं डिलीट क्यूरी की। डिलीट क्यूरी में क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर कंडीशंस के बिहाफ पे आपको कोई डिलीट करना होता है कोई डेटा को। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं अगर कोई डेटाबेस लूं, मैं मान लीजिए कोई और डेटाबेस लेता हूं, जैसे कि हमने C1, यहां पे मेरे पास बहुत सारे डेटा है, तो मैं क्या करना है कि हमें जितने भी जनवरी इसका क्या बोलते हैं सिटी में जो जीजीएन का डेटा है उसको डिलीट करना है, ठीक है? जितने भी हम जीजीएन का डेटा है उसको हमें डिलीट करना है, समझ गए? हाँ तो उस केस में क्या करेंगे? मैं क्वेरी को पहले डिलीट कर देता हूँ, बहुत सारे क्वेरी हो गए। तो Table 1 में जितने भी जीजीएन का डेटा है उसको हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ डिजाइन क्वेरी पे। तो क्वेरी भी जा हाँ क्वेरी डिजाइन क्वेरी पे Table 1 लेते हैं और हमें कुछ नहीं करना, हमें हर तक पूरा डेटा यहाँ पे, इसमें सिर्फ कंडीशन लगाना होता है डिलीट क्यूरी में, ध्यान रखिएगा। डिलीट क्यूरी इसमें आपको फिल, हमने फिल दे दिया इसमें सिटी कोड Table 1 डिलीट डिलीटेड वेयर, मतलब कि कौन सा कमांड किस कंडीशंस पे आपको डिलीट करना है। दो यहाँ होता है, एक वेयर एक फ्रॉम। वीर में मैंने क्राइटेरिया डाल दिया कि जीजीएन वाला डिलीट हो जाए, ठीक है? सिटी कोड में जीजीएन वाला डिलीट हो जाए। तो यहां पे जैसे भी इसको रन करेंगे, यस करेंगे, यस करेंगे, 14 हो जाए, देखा है? डिलीट 14 रो, इसने 14 रो को डिलीट कर दिया। अब इसमें एक काम क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा था कि ये जो डिलीट होता है तो ये खाली वो बीच में से डेटा डिलीट कर देता है, उसके जगह पे ब्लैंक स्पेस रहता है। नहीं, पूरा रो को डिलीट करता है, देखिए ना यहाँ पे पूरा रो को सिलेक्ट करके डिलीट कर देगा, इस ठीक है? हाँ अब इसमें एक तो हो गया, इसमें अगर मैं चाहते हो कि आप अपने हिसाब से लो तो वही बड़ी ब्रैकेट में लिख दीजिए एंटर सिटी कोड, ठीक है? तो ये क्या हाँ करेगा कि जब आप रन करोगे तो एक इनपुट बॉक्स पूछेगा और आपसे बोलेगा कि भैया डिलीट कौन सा सिटी करना है, ठीक है? तो मैं अगर यहां पे दिल्ली डाल दिया तो इसने दिल्ली डिलीट कर देगा। बट क्या है कि एग्जैक्ट मैच करता है, ठीक है? एग्जैक्ट मैच करता है। तो अगर इसमें लाइक कमांड करना चाहते हो, जैसे दिल्ली में सिटी होता है, दिल्ली भी होता है, तो यहां पे आपको देना पड़ेगा लाइक, ठीक है? लाइक कमांड से क्या होता है कि आप जो वर्ड डाल रहे हो वो अकेला हुआ या किसी के साथ हुआ। अगर मैंने दिल्ली डाल दिया, दिल्ली से स्टार्ट होने वाला जो भी हाँ, रहेगा। दिल्ली से स्टार्ट होने वाला हो, दिल्ली के बीच में हो, साइड में हो, कहीं भी हो, वो दिल्ली को डिलीट कर देगा, समझ गए? हाँ सर, बात ये तो हो गया कंडीशन से। दूसरा आता है वेयर फ्रॉम। फ्रॉम में क्या आता है कि आपको यहां पे माफ कीजिएगा, फ्रॉम में क्या होता है कि अगर आपने यहां पे फ्रॉम सेलेक्ट कर लिया, ये मान लीजिए इस बताना पड़ेगा, मान लीजिए कि मैंने सैलरी कर दिया, सैलरी में यहां वेयर सेलेक्ट है, वेयर को मैं फ्रॉम कर, ये फ्रॉम क्यों हो रहा है? टेबल का रहेगा, हो सकता नहीं,
फ्रॉम में क्या होता है कि सीक्वेंस से, जैसे तो आपने दे दिया कि नोड नंबर 5, तो 5 से लेके और 2 होता है कि कहाँ तक करना है वहां तक आप कर सकते हो। तो जो प्रॉब्लम हो रही है आपके पता नहीं आ रहा है, आप करके देखिएगा आपने, ठीक है? ओके तो डिलीट क्वेरी समझ में आ गया। हाँ समझे। अब इसमें एक और भी क्यूरी में देखेंगे कि आपके पास इसमें डिजाइन क्यूरी में कि आपके पास यहाँ पे यूनियन क्यूरी है ना, पास हाँ थ्रू है और यहाँ पे हाँ डेटा डिफिनेशंस है। तो डेटा डिफिनेशंस के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, अभी इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। यूनियन हमने आपको बता चुके हैं, यहाँ जब हम क्यूरी विजार्ड कर रहे थे तो इसमें था ना आपका फ्रॉम फाइंड अनमैच क्यूरी, हाँ जब हमने अप्लाई किया था यहाँ यूनियन का इंटरसेक्शन का आ गया था बना हुआ, देखा हाँ था वो क्या? तो एक हाँ क्रॉस टैब में बताया था, बट यहाँ पे आप जैसे यूनियन का बता रहे हैं तो वो किस तरह से यूज करते नहीं, क्रॉस टैब तो दूसरा हुआ, आप नहीं समझे, क्यूरी विजार्ड के अंदर में क्रॉस टैब क्यूरी तो ये हुआ, हाँ ये जो होता है अन अनमैच बोला क्या होता है कि जैसे कि आपके पास दो टेबल है, अब जैसे हाँ जो दोनों मैं टेबल आपको कभी के दिखा देता हूँ क्यूरी विजार्ड डिजाइन। तो यहां पे हमने यूनियन सेलेक्ट कर लिया, समझ गया? तो हाँ यूनियन में सोटेबल, यहां पे आपको क्यूरी लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा यूनियन का। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीट वन फ्रॉम यूनियन यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन। ठीक है, देखिए हाँ रॉन्ग की स्पेलिंग रॉन्ग लग रही है। हाँ है ना, द नंबर ऑफ कॉलम इन द टू सिलेक्टेड टेबल और क्यूरी यूनियन क्यूरी नॉट मैच, इसमें नहीं है, इसमें होगा क्या कि दोनों में जो दोनों मैच होगा वो दिखा देगा आपको, यूनियन ऑल जो होगा मैच बिल्कुल नहीं होगा वो दिखा होगा, लेकिन इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, ठीक है? इसको सही तरीके से वो यूनियन क्यूरी होता है क्या है बताता हूँ आपको। हमने जो ये अनमैच क्यूरी इस्तेमाल किए थे ना, सेम चीज होता है क्वी बिजार्ड में फाइनल मैच। इसमें क्या होता है कि हमें दो टेबल सेलेक्ट करने होते हैं, हम मान लो हमने सीट वन सेलेक्ट कर लिया, राइट? हाँ और हमें मैच किसके और मैच के साथ करना है, टेबल वन के साथ करना है। नेक्स्ट, और कौन सा कॉलम के साथ कॉलम मैच करना है, तो हमने यहाँ पे दे दिया सिटी कोड, सिटी कोड, और हमने यहाँ पे सिटी कोड दे दिया। एंड नेक्स्ट, डेटा क्या चाहिए, तो डेटा हमें पूरा चाहिए। नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है? तो ये डेटा जो दिख रहा है आपको, ये डेटा उसके अंदर नहीं है, हाँ ये डिलीट हो गया ना। डिलीट नहीं, मैं है हाँ डिलीट हो गया इसलिए नहीं। उसी टाइप के यहाँ यूनियन क्यूरी करता है कि दोनों को यूनियन करता है जो कि मैच है, ये तो आपको अनमैच दिखाया ना, दोनों जब मैच होता है वो दिखाता है पूरा का पूरा रो,
और यूनियन ऑल होता है जो दोनों को कुलेट कर देता है, ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर देता है। हालांकि सीक्वल में इसका इस्तेमाल करते थे, और ये जो क्यूरी है ये 2007 में नहीं था, इधर आया हुआ है यूनियन। तो ये तीनों चीज के बारे में हम आपको जो है ना अगली क्लासेस में बताएंगे, आगे की क्लासेस में, क्योंकि तो मैं भी एक बार इसको यूज कभी किया नहीं है, एक बार इसको रिसर्च कर लेता हूँ, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है। हाँ, ठीक है, और वो जो जो रिलेशनशिप का आपने बताया था उसका शायद मुझे वीडियो नहीं मिला है यूट्यूब में, तो आप वो शेयर कर दीजिए मुझे। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्यूरी के पार्ट को जो है मोस्टली खत्म कर लिया है, अब हम बात करेंगे सीक्वल क्यूरी के बारे में। ठीक है, कल से हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे सीक्वल। ओके सर।